इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाएं ग्राहकों के मन में चिंता पैदा कर रही हैं। एक के बाद एक कई ऐसी घटनाओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ताज़ा घटना आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है, जहां एक दिन पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में हुए धमाके से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। विजयवाड़ा के गुलाबी थोटा में 40 वर्षीय कोटा कोंडा शिव कुमार ने एक दिन पहले ही इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था और उसे अपने कमरे में चार्जिंग के लिए लगाया था, जहां उसकी बैटरी में विस्फोट हो गया। इस हादसे में काफी गंभीर रूप से जलने और दम घुटने से उनकी मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना के बाद कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लगभग 2000 यूनिट्स को जांच के लिए वापस मंगाया है। आपको बता दें कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कंपनियों को चेताया था और कहा था कि स्कूटर में आग लगने पर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए नेटवर्क 18।